अब देखिए ये जो स्टोमाटा है ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है ट्रांसपीरेशन। क्या? ट्रांसपीरेशन। अच्छी तरह देखिए, ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो लेती है, जो अंदर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या? जो अंदर लेती है, और ऑक्सीजन जो बाहर छोड़ती है थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, तो स्टोमाटा ये काम करती है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टोमाटा क्या करता है, तो स्टोमाटा डज नॉट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस। आपको आइडेंटिफाई करना है राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा याद रहना चाहिए ये सब चीजें। आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखिए, ईच स्टोमाटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बिन शेप्ड गार्ड सेल्स। एक स्टोमाटा में दो बिन शेप्ड गार्ड सेल्स रहते हैं। आप बिन कैसे होता है? बीन ऐसे होता है। बीन कैसे होता है? बीन बीन ऐसे होता है। ठीक है, आपने देखा है। तो ऐसे बीन शेप, क्या बीन शेप? बीन ऐसे होते हैं। तो ऐसे बीन शेप गार्ड सेल होते हैं। कितने? दो। कितने? दो। अच्छी तरह देखिए, दो बीन शेप गार्ड सेल होते हैं, और गार्ड सेल्स एनक्लोज स्टोमेटल पोर। ठीक है, आप यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये देखिए आपका गार्ड सेल। ये क्या है? ये है आपका गार्ड सेल। ये देखिए, ये है आपका गार्ड सेल। ये जो बिन शेप गार्ड सेल है, दो गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है। ठीक है, ये एक गार्ड सेल, और ये है आपका दूसरा गार्ड सेल। और ये दो गार्ड सेल क्या करते हैं? स्टोमाटा का जो पोर है, ये है स्टोमाटल पोर, उसको एनक्लोज करते हैं। एनक्लोज यानी ऐसे दो स्टोमाटा, इसको एनक्लोज ऐसे एनक्लोज करके अंदर घुसा करके रखता है। इसको क्या कहते हैं? एनक्लोज करके रखते हैं। ठीक है, एनक्लोज करके रखते हैं ये जो दो स्टोमाटेल पोर। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, ये जो गार्ड सेल है इसका दो वाल रहता है। क्या होता है? दो वाल रहता है। ठीक है, गार्ड सेल का दो वाल रहता है। एक है आपका, ये है आपका इनर वाल, और एक है आपका आउटर वॉल। क्या है ये? जो ये है आपका आउटर वॉल, और ये क्या है? ये है आपका इनर वॉल। ठीक है, ये है आपका इनर वॉल, और ये है आपका आउटर वॉल। ठीक है, आउटर वॉल। और होता क्या है कि जो इनर वॉल होता है वो टुवार्ड्स द पोर होता है। टुवार्ड्स द पोर, पोर के पास ही है ना, पोर के पास ही है, स्टोमाटेल पोर के पास ही है इनर वॉल। और वो क्या होता है? स्टोमाटेल टुवार्ड्स द स्टोमाटेल पोर। और जो आउटर वॉल है वो अवे फ्रॉम द स्टोमाटेल पोर। आउटर वॉल जो है वो क्या होता है? अवे फ्रॉम द स्टोमाटेल पोर। ठीक है, और एक चीज क्या होता है कि जो आउटर वॉल है वो थिन होता है। क्या होता है? आउटर वॉल थिन होता है, और जो इनर वॉल है, इनर वॉल वो थिक होता है। आप ये इस डायग्राम में देखिए, आपके बुक में ही, बुक का ही है ये डायग्राम। ये जो इनर वॉल है ये थिक करके दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ना, और जो आउटर वॉल है वो थिन है। ठीक है, आउटर वॉल जो है वो क्या है? थिन। अब यहां पर देखिए आउटर, ये आप कॉपी में बनाइए, आउटर वॉल। आउटर जो वॉल कहां पर होता है? आउटर वॉल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। क्या? अवे अवे फ्रॉम स्टोमाटेल पोर। ठीक है, अवे फ्रॉम स्टोमाटेल पोर। और जो इनर वॉल है, क्या इनर वॉल वो कैसे होता है? टुवार्ड्स स्टोमाटेल पोर। क्या? टुवार्ड्स स्टोमाटेल पोर। ठीक है, इनर वॉल टुवार्ड्स स्टोमाटेल पोर में रहता है। ठीक है, आप देखिए, आप जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल वो क्या होता है? आउटर वॉल बताइए,
आउटर वॉल क्या होता है, थिक और थिन। आउटर वॉल थिन होता है, आउटर वॉल क्या होता है, थिन। ठीक है, आउटर वॉल थिन होता है जो एवे फ्रॉम स्टोमाटेल पोर होता है, और जो इनर वॉल होता है वो क्या होता है, इनर वॉल थिक होता है। क्या होता है, थिक। इनर वॉल जो है वो क्या होता है, थिक, हाईली थिकन लिखे, क्या, हाईली थिकन, THI CKENED। ठीक है, जो इनर वॉल होता है वो क्या होता है, हाईली थिकन होता है, और जो आउटर वॉल है वो क्या होता है, थिन होता है। ये आप पूरा ऐसे बनाइए, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इजीली याद रहेगा, पढ़ने से में भी आसानी होगा, रिवाइज भी क्विकली दे पाएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए इसको। गार्ड सेल में क्या रहता है, गार्ड सेल पॉजिटिव क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट रहता है। आपको क्वेश्चन दे देगी कि गार्ड सेल डज नॉट पॉजिटिव क्लोरोप्लास्ट, और आपको आइडेंटिफाई करना है राइट या रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप एक भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और गार्ड सेल क्या करती है, गार्ड सेल स्टोमाटा को क्लोज करने में एंड ओपन करने में क्या करती है, रोल निभाती है। ठीक है, गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब क्या होता है, ये जो स्टोमाटा होता है, यहाँ पर देखिए, ये जो स्टोमाटा होता है, ये जो स्टोमाटल पोर है, अभी यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्टोमाटा विद बेन शेप गार्ड सेल्स, स्टोमाटा विद डम्बल शेप गार्ड सेल्स, वो अलग है, आप ग्राफ में मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टोमाटल पोर है, अभी ये क्या है, ओपन है, अभी क्या है, ओपन स्टेट में। ठीक है, अब जब क्लोज होगा तब क्या होगा, ये जो बीन शेप्ड है, ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाता है, ताकि ये जो स्टोमाटल पोर है, ये जो स्टोमाटल पोर है, यहां से वाटर ट्रांसपीरेट ना हो पाए, वाटर बाहर निकल के ना जा पाए। ठीक है, इसलिए स्टोमाटा कभी क्लोज हो जाती है और कभी ओपन रहती है, वो आप आगे जाकर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टोमाटा को क्लोज करने में एंड ओपन करने में जो रूल निभाती है वो कौन करती है, आपकी ये जो गार्ड सेल है ये। ठीक है, देन दिस स्टोमाटल स्टोमाटल अपार्टस कंपोज्ड ऑफ, स्टोमाटल अपार्टस में क्या क्या रहता है। ठीक है, स्टोमाटल अपार्टस में क्या क्या रहता है, एक ही आपका स्टोमाटल एपार्चर जो पोर है, क्या, स्टोमाटल एपार्चर, ये आपका एपार्टस, अच्छे से देखिए, ये आपका एपार्टस और ये एपार्चर जो पे नहीं। ठीक है, एंड गार्ड सेल्स। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल है, ये ग्रास में कहां पर, ग्रास में डम्बल शेप होते हैं, ग्रास में क्या होते हैं, डम्बल शेप, ये जो गार्ड सेल है यहां पर देखिए, ये डम्बल शेप गार्ड सेल, और ये ग्रास में मिलता है। ठीक है, ग्रास में मिलते हैं, और क्या है आपका, सब्सिडरी सेल्स। सब सब्सिडरी सेल्स क्या, दीज आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल। यहाँ पर देखिए, ये जो ये दो गार्ड सेल है, और ये दो गार्ड सेल को जो सेल, ये देखिए, ये सेल है जो क्या कर रही है, ये और एक सेल है, ये और एक सेल है, ये क्या है, ये सब है आपका एपिडर्मल सेल्स, जो क्या करती है, जो आपको गार्ड सेल को कवर करके रखती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब्सिडरी सेल्स, सब दीज आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल को एनक्लोज करके कवर करके रखती है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, जिनको कहा जाता है सब्सिडरी सेल्स। तो स्टोमाटल अपर्चर और पोर, ठीक है, स्टोमाटल अपर्चर और स्टोमाटल पोर एंड गार्ड सेल्स एंड द सब्सिडरी सेल्स, ये सब एक साथ मिला करके क्या बनाते हैं, स्टोमाटेल एपारेटस, क्या बनाते हैं, स्टोमाटेल एपारेटस। ठीक है, स्टोमाटेल एपारेटस फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टोमाटेल एपारेटस में क्या क्या रहता है, स्टोमाटेल एपारेटस में आपका रहता है स्टोमाटेल एपारेचर और स्टोमाटेल पोर, यहाँ पर लिख लीजिए पोर, ऑब्लिक पोर,
स्टोमाटल एपार्टस और स्टोमाटल कोर, देन आपका ग्राउंड सेल, गार्ड सेल्स, क्या गार्ड सेल्स एंड ग्रास में ये गार्ड सेल्स डंबलशिप रहते हैं एंड सब्सिडरी सेल्स रहते हैं जो क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल को सराउंड करके रहते हैं। ठीक है, तो ये सब है आपका स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जिनको क्या कहा जाता है कि सब्सिडरी सेल्स। क्या कहा जाता है? सब्सिडरी सेल्स। वो अंदर में ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट देख रहे हैं ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट है और ये आपका गार्ड सेल है। ये है आपका स्टोमाटल पोर जो गार्ड बिन शिप रहता है गार्ड सेल इन ग्रासेस में। ठीक है, आप ग्रास तो मोनोकोट होते हैं आपको पता ही है, तो ग्रास की जगह पे आपको मोनोकोट कह के भी, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए कि मोनोकोट। ठीक है, कि ग्रास की जगह पे आपको मोनोकोट टर्म भी दे सकती है तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा।